कहानी की सार सीरीज में आज की कहानी है मछलियाँ। मछलियाँ कहानी की लेखिका हैं कानपुर की उषा प्रियंबदा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1951 से लेकर के मोटे तौर पर 1958 या 1960 तक हिंदी कहानी साहित्य इतिहास में नई कहानी का दौर था, जहां मुख्य रूप से मध्य वर्ग के भोगे हुए यथार्थ और मध्य वर्ग से जुड़ी हुई कहानियों को अधिक प्रस्तुत किया गया है। इसी भोगे हुए यथार्थ को प्रस्तुत करती है उषा प्रियंबदा की कहानी मछलियाँ। दरअसल मछलियाँ कहानी का मुख्य विषय है मत्स्य न्याय, जिसे उषा प्रियंबदा ने मुख्यतः चार पात्रों की मदद से तोड़ने का प्रयास किया है, जिनमें से प्रमुख हैं विजय लक्ष्मी, जिनका उपनाम बीजी है, मूकी, जिनका पूरा नाम नयनतारा मुखर्जी है। इसके अलावा जो दो पुरुष पात्र हैं वह नटराजन एवं मनीष। वास्तव में मछलियों की दुनिया में सिर्फ एक नियम चलता है, जो मछली बड़ी और ताकतवर है वह छोटी मछली को खा जाती है। इसे ही मत्स्य न्याय कहती हैं। लेखिका उषा प्रेमदा ने अपनी कहानी मछलियाँ के माध्यम से इसी मत्स्य न्याय को तोड़ने का प्रयास किया है। कहानी की मुख्य नायिका विजय लक्ष्मी अर्थात बीजी के माध्यम से मत्स्य न्याय पर उषा प्रियंबदा ने चोट करने का भरपूर प्रयास किया है। कहानी के आरंभ में ही बीजी द्वारा नटराजन से कही गई कुछ पंक्तियां मत्स्य न्याय पर लेखिका द्वारा चोट की पुष्टि करती है। कथन है, कहानी में बीजी नटराजन से कहती है कि वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया, छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलटकर बार भी नहीं कर सकती। यह कथन इस कहानी का बीज कथन है और मुख्य संवेदना भी। अगर इस कहानी को ध्यान से पढ़ें तो यही महसूस होता है कि बीजी अर्थात विजय लक्ष्मी ही छोटी मछली है, जो अपने प्रेम को दो दो बार हथिया लेने के वाली मूकी अर्थात नयनतारा मुखर्जी को बड़ी मछली के रूप में देखती है और उससे जीत चाहे ना सके पर अपने सुकून के लिए उस पर वार करना चाहती है। और बीजी के मन में नटराजन के छिन जाने पर मूकी के प्रति कितनी गहरी घृणा है, यह कहानी में लेखिका ने पंक्तियों के माध्यम से आभास कराया है। लेखिका ने लिखा है कि अब मूकी की गर्दन पकड़कर उसे भेजने की इच्छा होती है, मन होता है कि उसकी कॉफ़ी में जहर मिलाकर पिला दें, उसके अपार्टमेंट में आग लगा दें और सिल्क की तहों में लेटी मूकी लपटों में घिर जाए और उसकी चीखें धुएं और चटकती लकड़ियों में खो जाए। बीजी ने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे मानो इन विचारों पर प्रतिबंध लगा देगी, पर मूकी के लिए जो बैर भाव है रोम रोम में भिद गया है। उसे कम से कम अपने से तो नहीं ही छिपाया जा सकता। कहानी में इस कथन को पढ़कर पाठक सरल भाव से ही गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाली संबंधों को महसूस कर लेता है और उषा प्रियंबदा एक तरीके से अपनी संवेदना पाठक तक पहुँचाने में सफल प्रतीत होती हैं। हालांकि लेखिका उषा प्रियंबदा ने इस कहानी में कुछ और पक्षों को भी उभारा है, जैसे एक प्रमुख पक्ष है प्रेम और विवाह के अलगाव की विडंबना। प्रेम एक सहज मानवीय भावना होती है, जबकि विवाह एक कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था। शहरी मध्य वर्ग के जीवन की समस्या यही है कि उसके प्रेम और विवाह में असंगति है। जहां प्रेम है वहां विवाह नहीं हो सकता और जहां विवाह होना है वहां प्रेम पनप नहीं पाता। कहानी में नटराजन का विवाह मूकी से होने वाला होता है, पर बीजी व मूकी के प्रति उसके मन के भाव कहानी में स्पष्ट होते हैं। जहां नटराजन वस्तुतः बीजी को ही चाहता है, कहानी में कथन आया है अनेक बार चाहने पर भी मुंह से बीजी को ना जता सका कि वह उसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्ष के इस दीर्घ प्रवास में अनेक नवयुवतियों से परिचय हुआ, पर बीजी के मात्र निकट अर्थात निकट आने से नटराजन में जो प्रतिक्रियाएं होती थी वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था।
एक और कथन आता है जिसमें इस बात की पूरी पुष्टि होती है कि प्रेम और विवाह को लेकर शहरी मध्यवर्ग कितना अलगाव भरा जीवन जीता है। कहानी में लेखिका कहती हैं कि नटराजन के मन में अचरज सा भर आया है कि वह बगल में इस नितांत अपरिचित को बैठा कर कहाँ और किस लिए ले जा रहा है। क्या उसके मन में मोकी के लिए सचमुच कहीं ममत्व या स्नेह छिपा है, या विवाह 34 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त ही किया जा रहा है। इसके अलावा लेखिका ने एक और महत्वपूर्ण पक्ष को जाहिर किया है, प्रेम जैसी सहज भावना को शहर में कैसे यांत्रिक रूप मिल जाता है और प्रेम को दिल से नहीं बल्कि दिमाग के नफे नुकसान और उपयोगितावादी सिद्धांतों में तब्दील कर दिया जाता है, कैसे नफा नुकसान की भेंट में चढ़ जाती है, कैसे मध्यवर्गीय शहरी जीवन उपयोगितावादी समीकरणों में सहज प्रेम को तब्दील कर देता है। दरअसल जहां बीजी और नटराजन जैसे चरित्र प्रेम को लेकर सहज भावनाओं को महत्व देते हैं, वहीं मनीष और मोकी जैसे चरित्र प्रेम को लाभ हानि की गणनाओं से जोड़कर देखते हैं। चिंता की बात यही है कि आज व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही लोग ज़्यादा सफल भी हैं। कहानी में कथन आता है कि मनीष, जिसने एक दिन बहुत बड़े ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था कि बीजी के लिए मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा, बहुत सीधी सरल अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है, मुझे बांध सके संतुष्टि दे सके ऐसी मानसिक गहराइयां नहीं है उसमें, और यह मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सका था कि लगातार पत्र लिखकर बीजी को भारत से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब कर अकेला मैक्सिको चल दे। कहानी में एक कथन द्वारा मुकी बीजी से कहती है कि बीजी, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ है, वह PhD कर रहा है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी, यहाँ भी तो 8,000 मिल ही रहे हैं, और मनीष के पास तो एक टुटपुंजिया फेलोशिप ही है। जाहिर है कि इस कहानी में लेखिका उषा प्रेमबदा बारीकी से सहज प्रेम को शहरी यांत्रिक प्रेम में बदलते हुए, बल्कि इस भावना को पाठकों के मन तक पहुंचाने में सफल भी हुई हैं। उषा प्रेमबदा ने इस मछलियां कहानी में व्यक्ति के परिवार से विच्छिन्न होने की समस्या को भी उभारा है। मध्य वर्ग के लोग बड़े शहरों में तो अकेलापन महसूस करते ही हैं, अपने स्वतंत्र निर्णयों के कारण अपनी जड़ों से भी कट जाते हैं। जड़ों से उखड़े हुए होने की अनुभूति उन्हें लगातार एक असुरक्षा और अजनबीपन के बोध से भरती रहती है। कहानी में बीजी अर्थात विजय लक्ष्मी अपने बारे में सोचती है और कहती है कि पटना में सब कुछ वैसा ही होगा, विमाता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियाँ या खीज, झुलझुलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना, क्या किसी को उसकी विजय लक्ष्मी की कभी भी याद नहीं आती होगी। बीजी सोचती है औरों की तरह सहज सरल जीवन क्यों नहीं हुआ उसका, कब अनजाने ही कुछ ऐसा घट गया जिससे वह औरों से अलग छिटक गई। इस कहानी का दर्द इसी प्रकार शहरी मध्य वर्ग के जीवन के भोगे हुए यथार्थ को उषा प्रेमबदा बड़ी ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करती है, और पाठक कहानी को पढ़कर एक एक शब्द को चलचित्र की भांति अपने आंखों में तैरता हुआ महसूस करता है। कहानीकार अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल हो पाई हैं।